तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में हम वॉक अराउंड करने वाले हैं मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक गाड़ी का आज वॉक अराउंड करने वाले हैं हम लोग। मैं सारी चीज़ें, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीज़ें टच एंड फील करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसी लगने वाली है। तो वीडियो पूरी देखिएगा अगर आप ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं। नहीं सोच रहे फिर भी देखिए, गाड़ी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इंजन बे से। तो इंजन बे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इट इज़ लाइक दिस इज 1.2 लीटर डुअल जेट 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और ये इंजन स्टार्ट है, काफ़ी रिफाइंड इंजन है। इसके अलावा आपको क्लियर करना है, एसी भी ऑन है इसके साथ एक्चुअली। तो इसके बाद ये ऑलमोस्ट करते हैं। एंड नीचे अगर आप देखो तो पूरी इसकी कवरिंग आपको मिल जाती है, पूरा कवर्ड है इसका इंजन बे। करते हैं इंजन को बंद, अब मैं आपको बताता हूँ बाकी सारी चीज़ें। गाड़ी बंद कर देता हूँ। ये है DRL जो कि अभी आपने देखी होगी। देन इसके बाद ऑल LED हेडलैम्प सेटअप, तीन इसमें लैम्प्स हैं, दो लोअर बीम एक हाई बीम लैम्प। देन ये एक्सेसरी का पार्ट है, क्रोम थिंग। देन इस तरफ अगर हम आए, तो हमें यहाँ पर मिलता है मारुति का लोगो, ये बड़ी सी क्रोम ग्रिल। देन ये वेंटिलेशन, इसमें रेडियो दिख रहा है सामने, यहाँ पे हॉर्न दिख रहा है सामने। देन इस तरफ अगर हम आए तो यहाँ पे हमें दिखता है टो हुक हमें देखने को मिलता है। देन सेम सेटअप यहाँ पे। देन साइड में अगर हम आए तो हमें दिखते हैं एलॉय व्हील्स, 195/60 R16 प्रोफाइल के टायर्स। और आगे में मिलता है डिस्क ब्रेक। टायर्स सही हैं, मैंने ऑलमोस्ट इसको 500-550 किलोमीटर चला लिया है। टायर्स आर गुड, ब्रेकिंग भी सही है इसकी। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को अचानक से सडन ब्रेकिंग भी करनी पड़ी थी, बट इट वाज ओके। देन इसके बाद यहाँ पे हमारे पास विंडशील्ड, देन वाइपर्स, वॉशर्स। और ड्राइवर साइड पे अगर आप देखो तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है हमें। ये एक्सेसरी का पार्ट है, चाबी वो रिमोट वाली चाबी है, सेंट्रल लॉकिंग है इसमें, बट वो रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है इसमें। दैन ORVM अगर हम देखें तो हमें ORVM देखने को मिलते हैं। एडजस्टेबल ORVM है, इलेक्ट्रिकली फोल्ड भी होते हैं और इन पे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं हमें। देन ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल, 3995 mm की इसकी लेंथ है। इसकी जो विद है, विद की अगर मैं बात करूँ तो 1765 mm की इसकी विद है आगे से चौड़ाई, और इसकी हाइट है 1550 mm की इसकी हाइट है। और अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 2520 mm का व्हील बेस है इसका। पीछे हमें ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, पीछे हमें ऑब्वियसली डिस्क ब्रेक्स देखने को नहीं मिलते हैं। गुड ईयर के इसमें हमारे पास टायर्स हैं, सेम टायर्स 195/60 R16। देन अगर हम पीछे की आते हैं, पीछे प्रोफाइल पर हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे हमारे LED टेल लैम्प्स। ये लाइट्स नहीं है, दिस इज़ रिफ्लेक्टर्स। लाइट जला ही देता हूँ, ये है इसकी रियर लाइट। और फ्रंट से भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ, हाई बीम भी कर देता है एक्चुअली। तो ये है इसके DRLs और ये है इसके लैम्प्स। लैम्प्स का थ्रो अच्छा है, इट्स गुड डिसेंट थ्रो। और हाई बीम भी जब लगाते हैं तो वो भी अच्छा खासा वो एरिया कवर करता है उसमें। इसके बाद अगर हम बात करें ऊपर साइड की तो हमें देखने को मिलती है रूफ रेल्स, ऑब्वियसली जो कि फंक्शनल नहीं है। ऊपर हमें देखने को मिलता है शार्क फिन एंटेना। और पीछे हमें सिर्फ और सिर्फ रियर डिफॉगर देखने को मिलता है, रियर वाइपर या वॉशर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ऊपर हमें मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैंप। और अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं चार पार्किंग सेंसर्स। ये हमारे पास है रिफ्लेक्टर्स दोनों तरफ, एंड ये रियर स्किड प्लेट क्योंकि थोड़ा सा इसको स्पोर्टियर लुक देती है। यहाँ पे हमारे पास है साइलेंसर, ये टो हुक यहाँ पे, एंड कैमरा इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, तो कैमरा एक अलग से लगवाया गया है। एंड यहाँ पे ये नंबर प्लेट के लिए लाइट, एंड ये सारी चीज़ें। देन इसके बाद मैं आपको बूट भी दिखा दूँ। बूट एक्चुअली पूरा भरा हुआ है, इट्स ऑल पैक्ड, बट अच्छी खासी स्पेस है इसमें। एंड इसमें हमारे पास पीछे रियर स्पेयर टायर जो कि ऑब्वियसली स्मॉलर साइज़ का स्टील व्हील है, और जैक एंड इसके जो टूल्स होते हैं वो सब ऑब्वियसली मिलते ही हैं। देन बूट में ये इलेक्ट्रिक टेल रिलीज गेट, ये हमारे पास इसको पकड़ के बंद करने के। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी में हमें मिलती है वही पुरानी जो मारुति की चाबी मिलती है, इसमें लॉक
अनलॉक होता है, और जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट आंसर नहीं मिलता, इस हिसाब से आपको अनलॉक करके अंदर आना होता है। और ये आवाज़ इसलिए कर रही है क्योंकि मैंने हेडलाइट चलती हुई छोड़ दी थी। हेडलाइट कर देते हैं बंद, गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। जस्ट ऐसे कुछ ये स्टार्ट होती है गाड़ी, नॉर्मल मारुति जो कि आजकल दे रही है मार्केट में। ओके, पहले मैं आपको सीट पे कंट्रोल दिखा देता हूँ इधर से। ये है हमारे पास सीट, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट इसमें देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ टेकलाइन एडजस्ट कर सकते हैं आप, और इससे सीट आगे पीछे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो ओनली द ब्रेक एंड द एक्सेलरेटर पड़ी। अब चलते हैं अंदर। दरवाजे में हमें यहाँ पे मिलती है एक लीटर बॉटल रखने की जगह, जिसमें एक आधा लीटर की बॉटल पड़ी हुई है, और पीछे एक दो तीन आधे लीटर की तो आप लोग डाल ही सकते हैं। एंड यहाँ पे स्पेस जो कि क्लोज्ड है, विच इज़ गुड। दैन यहाँ पे मिलते हैं कंट्रोल्स विंडोज़ के। ये है ORVM के कंट्रोल्स, एज़ आई टोल्ड यू कि ये आवाज़ कर रहा है थोड़ा सा, बट ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड होता है। दैन एडजस्ट आप कर सकते हैं इससे। ये है चाइल्ड लॉक का स्विच, लॉक अनलॉक, अब हो जाएगा लॉक अनलॉक। ऑटोमेटिक अप डाउन सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को मिलता है, बाकी सारे पावर विंडोज कंट्रोल हैं। इधर हमें देखने को मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, जो कि अगर आप थोड़ी देर से प्रेस किए रहेंगे तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी आ जाएगा, नॉर्मली ये ऑन ही रहता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप का स्विच, देन ये हेडलाइट लेवलर, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है AC वेंट, जिसमें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको फ्लो चाहिए या नहीं चाहिए। देन स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील हमें नॉर्मल जो मारुति का स्टेयरिंग व्हील होता है वैसा ही देखने को मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है भाई साहब हमारे पास, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स। देन वाइपर जो है वो ऑटोमेटिक नहीं है। देन ऐसा सा स्टेयरिंग व्हील। क्रूज कंट्रोल हमें देखने को नहीं मिलता है, बट हमें इसमें म्यूजिक कंट्रोल, यू नो इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस हमें देखने को मिलता है, जिससे सिर्फ आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे आप वॉल्यूम अप एंड डाउन, देन इससे आप सॉन्ग्स लेक्स इन प्रीवियस, दिस फॉर द म्यूट। देन ये मोड चेंज करने के लिए ऐसे प्रेस करके, ओके सॉरी 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 सॉरी, ओके डन। देन अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील हमें देखने को मिलता है, एंड अगर आप इसको एडजस्ट करने की बात करो तो सिर्फ और सिर्फ टिल्ट वे में एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक वे में आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देन अब बात करते हैं हम लोग MID की। MID पे हमें जैसे कि आप देख सकते हो पेट्रोल इंजन है, तो 8000 RPM तक इंजन जाता है हमारा टेम्परेचर मैक्सिमम, सॉरी इंजन RPM हमारा मैक्सिमम जाता है। देन बीच में ये एक डिस्प्ले है, जिसमें इधर आपको फ्यूल, इधर आपको टेम्परेचर एवरेज, और इससे अगर आप टॉगल करो वही मारुति के पुराने स्विचेस, इसे टॉगल करके आप रेंज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी और माइलेज। ये जो माइलेज अभी है ये ऑलमोस्ट मैंने गाड़ी चलाई है 523 किलोमीटर्स, जिसमें मोस्ट ऑफ द एरिया में हाईवे है एंड थोड़ा सा हिल्स भी इसमें इंक्लूडेड है, और सिटी माइलेज, ये सब कुछ मिला के ओवरऑल इसने मुझे 20 का माइलेज दिया। माइलेज इज़ वेरी गुड ऑफ दिस कार। मैंने इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हाईवे पे मैंने अराउंड 150 या 180 किलोमीटर्स चलाए थे ऑन द स्पीड ऑफ 80-85, और इसने 24.5 का माइलेज इसने डिलीवर किया था। तो अगर आप इसको प्यार से चलाओ तो बहुत अच्छा माइलेज देगी ये गाड़ी, विच इज़ आई थिंक पीपल बाय मारुति फॉर। देन इस स्क्रीन में जैसे मैंने उसको बताया, इससे आप एडजस्ट करेंगे अपने जो भी डिस्प्ले हो रहा है नीचे। देन अगर आपको अपनी ट्रिप के बारे में कुछ भी एडजस्ट करना है, ट्रिप से रिलेटेड, तो आप इससे करेंगे ट्रिप ए ट्रिप बी, और ये टोटल ओडोमीटर 30,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट गाड़ी चल चुकी है, और इसी से आप अगर इसको लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एंड इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए प्रेस करेंगे तो इसमें आप मल्टीपल सेटिंग्स, जैसे आप पहले पुरानी गाड़ियों में करते थे वैसे आप इसमें कर सकते हैं। देन और चीज़ें यहाँ पे टाइम डिस्प्ले होता है, टेम्परेचर, और यहाँ पे हमें डिस्प्ले होता है गियर, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइव 1, 2, 3, 4, वो इसमें ऐसे डिस्प्ले होता है। देन अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे है चाबी लगाने के लिए सॉकेट। देन यहाँ पे नीचे ये आपको बोनेट और फ्यूल लाइट खोलने के लिए स्विच यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा कभी स्पेस। देन इस साइड अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे
यहाँ पे मिलता है हमें एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये है हमारा USB सॉकेट फॉर दी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले। इसमें मैं क्या हो गया, यस इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी चलता है। जैसे अभी आप देखो तो कोई भी कनेक्टेड नहीं है, बट इसमें मेरा फ़ोन, इसमें किचन में कितनी ग्रीस जम गई है, ये सब साफ करने के लिए किसी को तो बुलाना ही होगा। बुला लो भाई, बुला लो। हाँ, इसमें देखो आप जैसे वायरलेसली भी एंड्रॉयड ऑटो को आप चला सकते हैं। देन बाकी ऐसी कुछ दिखती है ये स्क्रीन, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें यूजुअली भी आपको नज़र, नॉर्मली भी आपको ये गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती रहती है। देन अगर आप वापस होम पे आओ तो डे टाइम, उसमें आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जा सकते हैं। इधर आपको दिखाएगा कि क्या मोड चल रहा है गाड़ी का, सॉरी मतलब इंफोटेनमेंट का, FM या गाना या जो भी चल रहा हो। देन इसमें आप फेवरेट सिलेक्ट कर सकते हैं कि अपने जो भी आपको फेवरेट चीज़ें प्ले करनी हो वो डायरेक्टली आप इसमें प्ले कर सकते हैं USB से। पेड डिवाइसेस, इसमें आप डिवाइसेस हटा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो के लिए। देन इसमें सेटिंग्स में यूजुअल डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, म्यूजिक की सेटिंग, देन ये है कनेक्टिविटी के लिए, एंड ये है कार की कुछ अलर्ट नोटिफिकेशंस का सेटिंग्स। देन यहाँ पे हमारे पास AC वेंट्स, ये हजार्ड लैम्प का स्विच, नीचे है हमारे पास ऑटोमेटिक AC। ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है हमें इस गाड़ी में, जिससे आप वेंटिलेशन, एयर कंप्रेसर ऑफ या ऑन कर सकते हैं। ये ऑफ़ कर दीजिए, इससे ऑटो पे डाल दीजिए, फिर वो अपने अकॉर्डिंग फ़ैन की स्पीड एडजस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ, टेम्परेचर एडजस्ट नहीं करता है। देन फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर और ये एडजस्टमेंट। देन यहाँ पे हमें मिलते हैं दो कप होल्डर्स, एंड अगर हम पीछे आएँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ऑटोमेटिक गियर लीवर, जिसमें आप अभी ये न्यूट्रल पे है, ये ड्राइव पे, अगर ड्राइव से इधर आएंगे तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस एंड माइनस। ये इसमें यहाँ पे डिस्प्ले भी होता रहता है, जैसे मैंने अभी इंक्रीज करा, वन टू, ओके खड़ी गाड़ी में ये मैक्सिमम 2 तक जा रहा है। एंड अगर आप इधर आएंगे तो फिर ये ड्राइव से न्यूट्रल, एंड अगर आप इससे इधर जाएंगे तो फिर ये रिवर्स। रिवर्स कैमरा कुछ ऐसा है, वैसे स्टॉक तो है नहीं तो क्या ही फ़ायदा देख के। एंड यहाँ पे हमारे पास है हैंड ब्रेक, कोई भी आर्मरेस्ट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें हैं आगे यहाँ पे इस साइड। इंटीरियर जैसे आप देखो तो डुअल टोन इंटीरियर है, ब्लैक और ब्राउन में, बट कहीं भी ऐसे सॉफ्ट टच नहीं है, हर जगह प्लास्टिक ही है, बस मटीरियल अलग अलग, जैसे यहाँ पे अलग मटीरियल है, ये अलग मटीरियल है, ये और ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये दोनों मटेरियल्स सेम है। देन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कुशन है यहाँ पे आर्म रेस्ट के लिए। देन इधर हम देखें अगर तो इधर है हमारे पास ग्लव बॉक्स, जिसमें कुछ सामान ठीक ठाक डिसेंट स्पेस का है, और ग्लव बॉक्स कूल्ड नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल ग्लव बॉक्स। देन हाँ, इधर यहाँ पे ऊपर LED लाइट्स हैं, जितनी भी यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे दो लाइट्स हैं और एक लाइट यहाँ पे पीछे के लिए है, ये भी LED है। और डे नाइट IRVM मिलता है एडजस्टेबल, और ये है सन वाइज़र जो कि ऑब्वियसली इसे एक्सटेंड नहीं होता है। ड्राइवर साइड पे मिरर नहीं देखने को मिलता है, बट को ड्राइवर साइड पे एक मिरर देखने को मिलता है, बट कोई भी लाइट नहीं है इसमें। हाँ, तो अब चलते हैं पीछे। पीछे जाने के लिए मैं अपनी जो ड्राइवर सीट है उसको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, नाउ आई एम गुड। 5 feet 8.59 inches मेरी हाइट है, और चलते हैं पीछे। चलते हैं अब पीछे, ऐसा सा कुछ है इनग्रेस इसका, एंड पीछे 1 liter बोतल रखने की जगह और थोड़ी सी स्पेस और है इसमें। देन ये स्पेस, सेम स्पेस एज आगे। पावर विंडो का स्विच एंड अदर लॉक एंड लॉक। यहाँ पे मिलता है हमें ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, और ग्रैब हैंडल सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर को नहीं मिलता है, बाकी सारे दरवाजों पर मिलता है एज यूजुअल नॉर्मली। देन ऐसा सा कुछ स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें, मेरे ख्याल से बलेनो से ज़्यादा ही स्पेस है इसमें। एंड ये सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, और ये सीट ऑल द वे आगे है, तो अगर आप देखो तो काफ़ी ही ज़्यादा स्पेस इसमें। मैं एक बार उधर बैठ के भी दिखा दूंगा आपको। देन पीछे और अमेनिटीज़ के मामले में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है, तो ये स्पेस खाली है, यहाँ पे आप कॉइन वगैरह डाल सकते हैं, एंड यहाँ पे भी आप फ़ोन रख सकते हैं, जो क्योंकि यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है, एंड यहाँ पे भी स्पेस है, मतलब
इन्होंने सेंटर हमलेस नहीं दिया है बट स्पेस बहुत ज़्यादा दे दी है, काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन ये है टनल, बहुत ज़्यादा ऊंची टनल भी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो ज़रूरी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। इधर चलता हूँ मैं, इधर मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं मेरा पूरा पैर यहाँ पर ऐसे मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ पैर अपना, तो ऐसा सा है। देन एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट एंड एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट, और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों पर्सन्स के लिए यहाँ पे आर्म हेडरेस्ट, सीट बेल्ट, और जो कि थ्री पॉइंटर है, ये देखिए थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और पीछे जो सीट है हमारी 60-40 स्प्लिट होके एडजस्ट होती है, सॉरी फोल्ड होती है हमारी सीट, ये 40 ये 60। पीछे कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, ये एक्चुअली जो है ये एक्सेसरी का पार्ट है सीट कवर, नॉर्मल अपोस्ट्री सीट्स मिलती हैं यहाँ पे इसमें स्टॉक में जो, और एक छोटा सा वहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है। और पीछे एसी वेंट नहीं है बट जो इसका एसी है वो काफ़ी अच्छा ठंडा करता है, मतलब हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो अराउंड 30s में था टेम्परेचर बाहर और हम 22-23 पे चले थे, अभी हमें ठंडी लग रही थी, मतलब वी हैड टू स्विच टू दी लोएस्ट फैन स्पीड, तो एसी इसका अच्छा है। और अब चलते हैं बाहर, कुछ छूटा तो नहीं है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नोप। सो ये थी वीडियो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की, उम्मीद करता हूँ कि मैं सारी चीज़ें कवर कर पाया होऊंगा, आई डोंट थिंक सो कि कुछ छूटा है, अगर कुछ छूटा हो तो आप लोग कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा, आप कंप्लेन कर सकते हैं मेरे चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।